लोकसभा चुनाव के दो चरणों के मतदान हो चुके हैं, अभी पांच चरणों के मतदान बाकी हैं। इस चुनावी दौर में बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों ने जुबानी जंग की चिंगारियों को भड़काने का काम किया है। बीते कल ही सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगा करारा तमाचा याद दिलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची की गिनती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कई सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात को खारिज कर दिया था और सभी वीवीपैट पर्ची की गिनती की जगह 5% वीवीपैट की गिनती का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले को पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा तमाचा बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा थप्पड़ की याद दिलाई। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, याद रहे कि कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से भरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न केवल अवैध माना था बल्कि उसे असंवैधानिक करार देकर प्रधानमंत्री को करारा तमाचा मारा था। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के 4 माध्यमों चंदा दो धंधा लो ठेका लो घूस दो हफ्ता वसूली के माध्यम से 8200 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।